नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आज दिनभर की बड़ी खबरें पहले सुनते हैं डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं आज के बड़े समाचार डीबी लाइव के सौजन्य से। साथ आराधना, आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव के बीच कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, पांचवें चरण के लिए दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार की, देखेंगे नीतीश को लेकर तेजस्वी के बड़े दावे को, छगन भुजबल के बयान से बदली चुनावी हवा को, जानेंगे बंगाल में राज्यपाल की बढ़ती मुसीबतों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब, वोटिंग के बाद राज्य में हिंसा को लेकर आयोग नाराज, स्पष्टीकरण की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के समर्थन में चांदनी चौक में की रैली, कहा दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को देगी करारा जवाब। पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम नहीं करने के संकल्प पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा 10 साल से वो यही कर रहे हैं, अब अपने ही भाषणों को झुठलाना शुरू नहीं कर सकते। शेयर बाजार में गिरावट, 117 अंकों की गिरावट के साथ 72,987 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 17 अंकों की गिरावट के साथ 22,200 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से इस बार जनता के हक में एक के बाद एक गारंटी दी जा रही है, और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की बड़ी आबादी के लिए ऐसी घोषणा की है कि 163 सीटें जहां वोटिंग होनी है वहां इंडिया गठबंधन का बड़ा खेल हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी का खेल बिगाड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की ही कार्ड बीजेपी को नहीं मिल रही थी, जिसमें हर महिला को 1,00,000 रुपए साल देने की गारंटी कांग्रेस ने की थी, और अब कांग्रेस ने दूसरी बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता करते हुए ऐलान किया है कि इंडिया की सरकार बनने पर फ्री राशन स्कीम में 10 किलो अनाज दिया जाएगा। अभी मोदी सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज दे रही है, जबकि इंडिया की सरकार बनने पर इसे दोगुना कर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में बीजेपी ने फ्री राशन योजना पर फोकस किया था, जिससे उसके समर्थक का एक वर्ग तैयार हुआ जिसे लाभार्थी वर्ग कहा गया, और इसी की ताकत के दम पर बीजेपी ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जीता था। बीजेपी फ्री राशन योजना को लेकर इस बार भी वोट मांग रही है, लेकिन अब कांग्रेस के ऐलान से साफ हो गया है कि बीजेपी के हाथ से लाभार्थी वाला मुद्दा भी निकल चुका है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय ही देश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज मोदी उसी गरीबों के राशन पर अपनी तस्वीर चिपकाकर ये जता रहे हैं कि ये उन्होंने दिया है, जबकि गरीबों का मुफ्त अनाज उनका कानूनी हक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुनिश्चित किया था। इसके साथ ही खड़गे ने दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 4 जून को भाजपा की विदाई हो जाएगी। खड़गे ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब और युवाओं के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस की घोषणा से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन और भी मजबूती से उभरकर सामने आ रहा है। राहुल ने आज ओडिशा में तो अखिलेश ने बलरामपुर में रैली की। विपक्ष ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रैली की। तो क्या कुछ हुआ आज के चुनाव प्रचार में खास, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ओडिशा के बलांगीर में एक रैली की। इस दौरान राहुल ने कहा कि हमारा पहला क्रांतिकारी कदम जातिगत जनगणना है, जिससे देश के हर वर्ग को उसकी हिस्सेदारी पता चल पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी को एयरपोर्ट और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो मीडिया कहता है कि विकास हो रहा है, मनरेगा लागू होता है, किसानों का कर्ज माफ होता है, तो मीडिया कहता है कि देखो गरीबों और किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए हम देश में करोड़ों लखपति बनाएंगे। देश में 90% लोगों की कहीं भी भागीदारी नहीं है। टीवी पर मीडिया वाले अंबानी की शादी दिखाएंगे और पीएम मोदी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन किसान मजदूर और बेरोजगार युवा की आवाज कभी नहीं दिखाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद अखिलेश ने यूपी के बलरामपुर और फैजाबाद में रैली की, जहां अखिलेश ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था चढ़ चुका है, अब उतरना शुरू हो गया है। 4
जून को मीडिया की आजादी का दिन होगा, क्योंकि इस बार जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता उनको 140 सीटों पर समेट देगी। बीजेपी का रथ धस गया है, ये जो कहते थे 400 पार, अब इनको दिखाई पड़ रही है 400 हार। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी बाहर आई है, भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है, इनकी भाषा बदल जाती है। इसके साथ ही अखिलेश ने जनता से सवाल किया कि जब डबल इंजन ने कोई विकास नहीं किया तो इस इंजन को हटाओगे कि नहीं। तो वही पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में रैली की, जहां पीएम ने कहा कि मैं आपके पास आज आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। चुनाव प्रचार के बीच विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को घेर लिया तो बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उनके बयान ने राज्य में सियासत तेज कर दी है, तो ऐसा क्या कहा है तेजस्वी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी अपनी रैलियों में मोदी सरकार पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन नीतीश को लेकर नरमी दिखा रहे हैं। जबकि कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी नीतीश के खिलाफ खासे हमलावर थे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। मधुबनी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है। चाचा शरीर से एनडीए में है लेकिन मन से हमारे साथ है। बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया है, वो बीजेपी के साथ खुश नहीं है। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी ने वाराणसी में नामांकन दाखिल किया और खराब तबीयत का हवाला देते हुए नीतीश कुमार इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इन चर्चाओं को तूल देते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर एनडीए को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था उसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ये स्पष्ट है कि मुझे उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने इस बयान के साथ ही ये संकेत भी दे दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अब तक इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नीतीश का पीएम के नामांकन से दूरी बनाने की खबर से एनडीए की एकजुटता सवालों में है। नीतीश को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी ने बीजेपी को सवालों में फंसा दिया है। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में अजित पवार गुट से वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल अब एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन की जीत के दावे करते दिख रहे हैं, तो क्या कहा है भुजबल ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में अजित पवार गुट से वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल के तेवर बगावत का संकेत दे रहे हैं। भुजबल पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि वो एनडीए की जगह महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो अब भुजबल ने जो दावा किया है उसने इन आरोपों पर मुहर लगा दी है। भुजबल ने लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर लोगों में सहानुभूति है और इसी के कारण उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है। भुजबल से पहले एनसीपी मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने भी हाल ही में कहा था कि शरद पवार के पीछे सहानुभूति की लहर है। भुजबल ने कहा है कि इन दोनों नेताओं की सभाओं में आ रही भीड़ सहानुभूति के चलते है। भुजबल ने यह भी कहा है कि सहानुभूति कैसे वोट में बदलती है ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। एनसीपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सहानुभूति दिखाई दे रही है, लोगों में पवार और ठाकरे से मिली सहानुभूति से एमवीए को फायदा मिल रहा है, राज्य की अधिकांश सीटों पर एमवीए को जीत मिलेगी, अब तक हुए मतदान में ये दिखाई भी दिया। महाराष्ट्र में चार चरणों में अब तक 35 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और पांचवे और अंतिम चरण में मुंबई क्षेत्र के साथ राज्य की कुल 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। छगन भुजबल के बयान ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है, तो मुश्किलें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ शोषण का एक और मामला सामने आया है। एक महिला डांसर ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर आनंद बोस सवालों के कटघरे में आ गए हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। राज्य में सियासत राजनीतिक दलों की वजह से नहीं बल्कि राज्यपाल के कारण तेज है। एक बार फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से घिर गए हैं। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर अक्टूबर 2023 में शिकायत दर्ज करवाई थी और 6 महीने की जांच के बाद पिछले हफ्ते बंगाल पुलिस ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है और अब ये मामला सामने आया है। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया था कि वे विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कंफर्म किया है कि डांसर के बताए वक्त पर राज्यपाल के होटल में घुसने और निकलने का सीसीटीवी फुटेज है।
जिसके बाद राज्यपाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मामले में राज्यपाल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये पहला ऐसा आरोप नहीं है। हाल ही में आनंद बोस पर राजभवन की पूर्व महिला कर्मी ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिस पर सत्ताधारी पार्टी और राज्यपाल के बीच तीखी बयानबाजी भी सामने आई है। राज्यपाल ने आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने राजभवन के सभी कर्मचारियों को पुलिस से संपर्क करने से मना कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार राज्यपाल जांच से क्यों भाग रहे हैं। और अब एक और शिकायत महिला शोषण की उनके खिलाफ सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं, तो न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा, ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। रिमांड ऑर्डर भी अवैध है। यूएपीए के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी। कोर्ट ने कहा कि प्रबीर को गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए था, उन्हें कस्टडी से रिहा होने का अधिकार है। आपको बता दें, न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पर चीन से फंडिंग लेने के आरोप लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप था। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ यूएपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई हैं। अब कोर्ट के फैसले का असर दूसरे मामलों पर भी पड़ता दिखाई दे सकता है, खासतौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में भी। दोनों ने ही अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट जल्दी ही इस पर सुनवाई कर फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी को झटका लगा है, तो यूपी में बीजेपी सांसद भी मुश्किल में है। उन्हें जनता से मदद मांगनी पड़ रही है। कैसरगंज में बेटे करण के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जनता से मदद की गुहार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों संकट में है बीजेपी सांसद, देखिए ये रिपोर्ट। पांचवें चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। यूपी में एक तरफ अमेठी रायबरेली हॉट सीट बनी हुई है, तो दूसरी तरफ कैसरगंज के भी चर्चे तेज हैं। कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कट चुका है, लेकिन पार्टी ने उनके बेटे करण को उम्मीदवार बनाया है। और अब इस क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मई को यहां वोटिंग होनी है, इसलिए अब बीजेपी सांसद खुद अपने बेटे के प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आज हम थोड़ा संकट में हैं, मुसीबत में हैं। इस संकट के समय में आपका समर्थन मांग रहे हैं। उनके इस बयान के अहम मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी ने करण को उम्मीदवार तो घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। चुनाव में महज 5 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई भी बड़ा केंद्रीय नेता यहां प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। यहां तक कि खुद बृजभूषण भी कैसरगंज के बाहर प्रचार के लिए जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि प्रयागपुर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करण के लिए वोट की अपील तो की, लेकिन उन्होंने भी करण को बृजभूषण का बेटा बताने की जगह मौजूदा सांसद का बेटा कहना पसंद किया। जिसके बाद चर्चाएं ये भी शुरू हो गई हैं कि क्या कैसरगंज में बीजेपी और बृजभूषण के बीच के रिश्ते में दूरियां बन गई हैं? क्या पार्टी ने मजबूरन करण को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन अपने फैसले से खुद ही सहमत नहीं है? बीजेपी कई सवालों से घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बृजभूषण पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप तय हो चुके हैं। मामले में अब आगे की कार्रवाई होनी है। और बुलेटिन के आखिर में देखें, नाइस मराठी मैम, लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आपने बहुत ग्रेट काम किया, थैंक यू, ग्रेट लव। हाँ, बहुत किया आपने। रांची जी की तबीयत बहुत खराब हुई है। किसकी? रांची जी की। किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आईपीएल में? आरसीबी। ओ, आई भी लगता क्वालिफाई नानी चाहिए। कंटिन्यू 5 मैच जीते हैं। हाँ जी, 5 मैच जीते हैं। वही 5 चेन्नई के साथ लास्ट मैच है। अरे चेन्नई के साथ लास्ट मैच है। हाँ, 18 को है।
तो क्या लगता है जीतेंगे आप? अरे यार लिफ्ट भी नहीं आ रही है, जाने दो। चलो 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 ठीक है, पैकअप कर। नहीं 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 बंद कर, उधर आ गए। नहीं उधर आ लाऊं तो लिफ्ट में जा 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 वहां पे लोग वो बंद कर दिया जा आगे आगे लिफ्ट आ गए। लो ना ये देख सकते हो, डरा ही दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं आपने तो देखा था, आपने मैं भाग रही थी यार। फोन आ रहा है नहीं मेरा नहीं है। क्या आ गई तो लिफ्ट दो माले पे, एक माले यार कर देंगे जी ना। एक घंटा बस, अरे पूरी डिटेल बता टाइम वगैरह मत को पता है। चलो जाओ थैंक यू बाय बाय मस्ती बाय बाय बंद हो जाए। रेड रोज ना यहाँ पे आइए, साइड से आइए। अमित जी ये पीछे हो, पीछे हो सब पीछे। अमित जी रुको ना, अमित जी थोड़ा पीछे। अरे 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 बस बस भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे रुकिए अमित जी रुकिए, मत मत मैं पीछे मत देखिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।